द क्वेश्चन इज लेट ए इज इक्वल टू आर माइनस थ्री एंड बी इज इक्वल टू आर माइनस वन. शो दैट द फंक्शन एफ ए टू बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री इज बाइजेक्टिव. हमें शो क्या करना है कि एक फंक्शन एफ है ए टू बी, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री. ये हमें शो करना है कि ये बाइजेक्टिव है. बाइजेक्टिव मीन्स ये वन वन एंड ऑन टू है, और ये डिफाइन है ए टू बी में, जहाँ पर ए क्या है हमारे पास रियल नंबर का सेट है एक्सेप्ट थ्री, उसमें से थ्री जो है रिमूव किया गया है, एंड बी जो है रियल नंबर का सेट है एक्सेप्ट वन, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें शो करना है वन वन, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं टू डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम ए, यानी कि जो डोमेन है, लेट एक्स वन एंड एक्स टू बिलोंग्स टू ए, सच दैट हमने टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट सपोज किए और ये मान लिया कि उनके जो इमेज है वो सेम है. मीन्स एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू. वन वन का मतलब क्या है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज़ अ यूनिक इमेज इन इट्स कोडोमेन, राइट. तो मुझे क्या प्रूव करना है कि अगर हमने एक्स वन एक्स टू टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिए हैं और मैंने उनकी इमेज सेम ले ली है, तो एंड में जाकर कि प्रूव हो जाएगा जो हमने एलिमेंट लिए थे वो सेम ही है, ठीक है. अगर इमेज सेम है तो मतलब वो सिंगल एलिमेंट एक ही एलिमेंट था. तो इसी से आपको स्टार्ट करना है. एक्स वन एक्स टू हमने सपोज किए फ्रॉम ए, सच दैट एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू. वैल्यू पुट करते हैं, एक्स वन माइनस टू एक्स वन माइनस थ्री, एक्स टू माइनस टू अपॉन एक्स टू माइनस थ्री. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वन एक्स टू, थ्री एक्स वन, टू एक्स टू एंड सिक्स. एंड राइट हैंड साइड पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स वन एक्स टू माइनस थ्री एक्स टू माइनस टू एक्स वन एंड सिक्स. तो एक्स वन एक्स टू एंड सिक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा, माइनस ऑफ थ्री एक्स वन. यहाँ से एक्स वन की टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं और यहाँ है माइनस ऑफ थ्री एक्स टू प्लस ऑफ टू एक्स टू. माइनस ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स टू. तो यहाँ से क्या आया, एक्स वन और एक्स टू इक्वल आ गए. तो हमने जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट सपोज किए थे सेम इमेज लेकर के, वो एलिमेंट भी सेम ही है हमारे पास. तो इट मीन्स जो एफ है हमारे पास वो वन वन है. दिस इम्प्लाइज एफ इज वन वन. ऑन टू के लिए क्या शो करना होता है हमें, कि एवरी एलिमेंट इन द को डोमेन ऑफ एफ हैज़ प्री इमेज इन डोमेन, राइट. यानी कि हर एक एलिमेंट के प्री इमेज हो गए. तो हमने एलिमेंट सपोज कर लिया पहले तो बी से, मैंने एक रैंडम एलिमेंट सपोज किया बी से, मुझे उसकी इमेज शो करनी है. सो लेट वाई बिलोंग्स टू बी. बी क्या हमारा को डोमेन, ठीक है. y बिलोंग किया लेट किया हमने b से, तो ये किसी ना किसी x के लिए इमेज तो होगी ना, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई. तो यहाँ से अब पहले तो मुझे x निकालना है, ठीक है. x की वैल्यू निकालनी है, अगर वो हमारे डोमेन से बिलोंग कर जाती है देन हमारा जो सम है वो प्रूव हो जाएगा, क्योंकि यानी कि जो प्रूव करना चाहते हैं वो हो जाएगा. तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिया हमने, एफ एक्स की वैल्यू है x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू वाई. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस टू इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस थ्री वाई. एक्स वाले टर्म एक तरफ कर लेते हैं, x माइनस एक्स वाई, और ये टू पॉजिटिव हो जाएगा, थ्री वाई ऑलरेडी नेगेटिव है. x कॉमन, वन माइनस वाई, टू माइनस थ्री वाई. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू 2 माइनस थ्री वाई अपॉन वन माइनस ऑफ वाई, या फिर लिख सकते हैं 3 वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन. तो अब देखो क्लियरली यहाँ से ये तो क्लियर है कि जैसे जो y था हमारा अगर r से बिलोंग कर रहा है तो y माइनस ऑफ वन, और y नॉट इक्वल टू, देखो 1 होगा यहाँ पर, नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि हमने कहाँ से लिया था ये एलिमेंट, हमने एलिमेंट लिया था ये b से, और b में क्या है 1 नहीं है. मीन्स y नॉट इक्वल टू 1 है, मतलब x जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है. तो ये आपको मेंशन भी करना पड़ेगा, एज y बिलोंग्स टू r एंड y नॉट इक्वल टू 1. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये 3y माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन एक रियल नंबर बनेगा, एग्जिस्ट करेगा. अब दूसरी बात क्या है, ये हमारा बिलोंग a से तब करेगा जब ये रियल नंबर
से रियल नंबर तो आ गया लेकिन 3 के इक्वल ना आए, तो यहाँ से ये स्टेप आपको स्किप नहीं करना है, ये आपको शो करके दिखाना पड़ेगा कि ये 3 के इक्वल भी नहीं हो सकता, क्योंकि डोमेन में तभी आएगा ना जब ये रियल नंबर तो आ गया, डोमेन में तभी आएगा जब ये 3 के भी इक्वल नहीं है। तो अब यहाँ पर हम ये भी शो करेंगे ऑल्सो 3y-2/y-1 इज इक्वल्स टू, अगर हम 3 रखते हैं तो यहाँ से क्या आएगा 3y-2, 3y-3, 3y कैंसिल आउट हो गया, -2 + 3 इज इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल टू 0 विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने यहाँ से इक्वल टू 3 लिया था यही पॉसिबल नहीं है, दिस इम्प्लाइज 3y-2/y-1 कांट बी इक्वल टू 3, राइट। तो दिस इम्प्लाइज यानी कि जो हमने x की वैल्यू जो ये फाइंड की थी वो बिलोंग करती है a से, क्योंकि ये 3 के इक्वल नहीं है, ये रियल नंबर भी है और ये 3 के इक्वल भी नहीं है, मीन्स ये a से बिलोंग कर गया। मीन्स जो हमने y fx इज इक्वल टू y लिया था, एक इमेज ली थी, तो इस y एलिमेंट के प्री इमेज जो है वो बिलोंग कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है को डोमेन सॉरी डोमेन से, ठीक है। सो तो हमारे पास अब क्या आ चुका है, दस x इज इक्वल टू 3y-2/y-1 बिलोंग्स टू a, सच दैट अगर हमने fx रखा, x की वैल्यू है 3y-2/y-1, ये पुट करेंगे हम फंक्शन में 3y-2/y-1 - 2/3y-2/y-1 - 3, इसको सॉल्व करोगे तो ये y/1 दैट इज y आ जाएगा। मीन्स हमारे पास x ऐसा एग्जिस्ट करता है a से, सच दैट fx इज इक्वल टू y आ गया है, तो इट मीन्स हमारे पास हर एक एलिमेंट की एक प्री इमेज है, ठीक है, प्री इमेज है, तो मीन्स f इज ऑन टू, अब फंक्शन हमारा 1-1 भी था, ऑन टू भी आ गया, तो मीन्स ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। थैंक यू।